हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथमेटिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किया है। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल 8y एंड वाई स्क्वायर इक्वल 8x। क्लियरली सॉल्यूशन में सबसे पहले आप राइट करेंगे गिवन कर्व्स। फर्स्ट कर्व बेटे एक्स स्क्वायर इक्वल 8y और सेकेंड कर्व है बेटे वाई स्क्वायर इक्वल 8x। क्वेश्चन इस टाइप के काफी सॉल्व किया हमने, इसे हम एक बार और रिपीट कर रहे हैं। ये फैक्टर चेंज होते रहते हैं। सबसे फर्स्ट कर्व एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay टाइप है और सेकेंड वाई स्क्वायर इक्वल 4ax टाइप है। फर्स्ट कर्व एंड सेकेंड कर्व बोथ आर पैराबोला, नेमली फर्स्ट अपवर्ड पैराबोला एंड सेकेंड राइट हैंडेड पैराबोला। क्लियर? डिस्क्रिप्शन 11 के अकॉर्डिंग राइट करेंगे कर्व फर्स्ट इज अपवर्ड पैराबोला। विच वर्टेक्स जीरो जीरो दैट इज ओरिजिन एंड कर्व सेकेंड इज अ राइट हैंडेड पैराबोला। राइट हैंडेड पैराबोला विच वर्टेक्स वही ओरिजिन दैट इज जीरो जीरो। इस 11th की सिचुएशन से आप पैराबोला का डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। हमें चाहिए पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। वी फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। बाय 1 and 2 इक्वेशन नंबर फर्स्ट से y की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में आप पुट कर लीजिए। बाय 1 y इक्वल एक्स स्क्वायर बाय 8। सो बाय सेकेंड इन प्लेस ऑफ y वी पुट एक्स स्क्वायर बाय 8 होल स्क्वायर विच इज इक्वल 8x। नाउ वी कैलकुलेट x square whole square that means x raised to 4 upon में आएगा बेटा 8 square cross multiplication करेंगे 8 square into 8x। now x raised to 4 minus 8 square into 8 that means 8 cube into x which is equal 0। एक्स बी द कॉमन फैक्टर इन द केस एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब विच इज इक्वल 0। क्लियर? प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटीज आइदर एक्स इक्वल 0 और एक्स क्यूब माइनस 8 क्यूब इक्वल 0 दैट मीन्स एक्स इक्वल 0 और एक्स क्यूब इक्वल 8 क्यूब दैट मीन्स एक्स इक्वल 0 और x इक्वल 8। x की आपने 2 वैल्यूज फाइंड कर चुके हैं, अब आपको y की वैल्यू भी चाहिए। दैट मींस इस रिजल्ट से y इक्वल व्हेन x इक्वल 0 देन y इक्वल 0 व्हेन x इक्वल 8 8 स्क्वायर 64 अपॉन 8 दैट मींस यहां y की वैल्यू मिलेगी बेटे 8। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन फर्स्ट 0 0 एंड सेकेंड 8 8।
क्लियरली आप डायग्राम ड्रा कर सकते हैं। डायग्राम ड्रा करेंगे तो कर्व फर्स्ट अपवर्ड पैराबोला एंड कर्व सेकेंड राइट हैंडेड पैराबोला, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप जब ड्रा करेंगे बेटे एक्स ओ एक्स डैश ओ बी द ओरिजिन विच कोऑर्डिनेट जीरो जीरो, फर्स्ट कर्व जिसकी इंफॉर्मेशन आपने राइट किया है यह आपके पास अपवर्ड पैराबोला, सेकेंड कर्व यह बेटे आपके पास राइट हैंडेड पैराबोला, सिचुएशन आपको पता है कर्व फर्स्ट एंड ये बेटे कर्व सेकेंड, बिटवीन कॉमन एरिया को आप सेडेट कर दीजिए जिसे आपको फाइंड करना है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जीरो जीरो जिसे आपने ओ से नेम दिया है, सेकेंड को आप कह दीजिए ए जिसके कोऑर्डिनेट है बेटे एट एट, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस वाई इक्वल जीरो एंड इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस एक्स इक्वल जीरो, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रा कर लीजिए। अब आप सिचुएशन देखेंगे बेटे, इस पॉइंट को आप कहेंगे मान लीजिए इसे आप एम कह देते हैं जिसके कोऑर्डिनेट होंगे एक्स कोऑर्डिनेट मिलेगा बेटे आपको एट और वाई कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा जीरो, एट जीरो पॉइंट एम के कोऑर्डिनेट। डेफिनेटली इस लाइन का इक्वेशन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है इसे लिखेंगे बेटे एक्स इक्वल एट, जिस कॉमन एरिया की आप बात कर रहे हैं उस एरिया को आपको फाइंड करना है, दैट मींस रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया के सिचुएशन में चलेंगे, ये पॉइंट ओ है, ये एम है, ये आपने ए कह दिया है, यहां पर एक पॉइंट आप ले लीजिए बी और यहां पर एक पॉइंट ले लीजिए आप सी। रिक्वायर्ड एरिया के लिए जो कैलकुलेशन करेंगे बेटे आप उस फिगर के अकॉर्डिंग रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल एरिया ओ सी ए बी ओ, इस बाउंडेड एरिया की बात कर रहे हैं आप ओ सी ए बी ओ, दैट मीन्स इस एरिया को फाइंड करने के लिए बेटे इस एरिया को देखिए ओ एम बी सॉरी ओ एम ए बी ओ एरिया ओ एम ए बी ओ, इस बाउंडेड एरिया से यह ब्लैंक एरिया जो देख रहे हैं बेटे आप जिसे आप कहेंगे ओ एम ए सी ओ एरिया ओ एम ए सी ओ, इस एरिया को सबस्टेट कर देंगे तो जो एरिया ऊपर आपने राइट किए हैं जिसे आपने सेडेट किया है वो एरिया आपको फाइंड हो जाएगा। दैट मींस इस एरिया के सिचुएशन में चलिए आप फर्स्ट वाले को, तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं बेटे ये कौन से कर्व के अकॉर्डिंग है उसको आप देखिए, ये कर्व नंबर सेकेंड देखिए आप एक्स इक्वल जीरो बिटवीन एक्स इक्वल एट, एक्स इक्वल जीरो बिटवीन एक्स इक्वल एट, इस एरिया की बात कर रहे हैं आप पहले, और ये कर्व कौन सा है तो बेटे सेकेंड, दैट मीन इसे लिखेंगे आप वाई टू डीएक्स माइनस इंटीग्रल बिटवीन एक्स इक्वल जीरो एंड एक्स इक्वल एट, वही सिचुएशन है। ये जो एरिया ब्लैंक दिख रहा है बेटे ये कर्व देखिए आप, ये कर्व नंबर फर्स्ट है ये विद एक्स एक्सिस, ये जो ब्लैंक एरिया है इसे आप सब्सट्रेट कर रहे हैं, दैट मींस ये है कर्व आपके पास वन, तो इसे लिखेंगे वाई वन डीएक्स
अब कर्व नंबर फर्स्ट और कर्व नंबर सेकंड से आप 0 टू 8 लिमिट सेम है बेटे, इसे राइट कर सकते हैं y2 माइनस y1 और ये dx। एरिया में कहीं y1 माइनस y2, कहीं y2 माइनस y1, ये सिचुएशन आपके पास होगा। जिस कर्व को आप देख रहे हैं बेटे, उस कर्व को जो कर्व फर्स्ट है उससे आपको y की वैल्यू और कर्व सेकेंड से भी आपको y की वैल्यू चाहिए। क्लियर? कर्व फर्स्ट से अगर y की वैल्यू चाहिए y1, तो आप y की वैल्यू देखेंगे तो ये मिलेगा बेटे आपको x² / 8। और y सेकेंड आपको अगर y की वैल्यू चाहिए बेटे, ये मिलेगा आपको √8x। दैट मीन्स √8 की वैल्यू 4 × 2, दैट मीन्स 2√2 × √x। ये है बेटे आपके पास y की वैल्यू। कर्व सेकेंड के अकॉर्डिंग इंटीग्रल 0 to 8 y2, ये है बेटे आपके पास 2√2 × √x माइनस y1, दैट मीन्स x² / 8। इसे आप ब्रैकेट में राइट कर देंगे dx। कैलकुलेशन देखेंगे बेटे, रूट एक्स की मीनिंग है x^2, 2√2 कांस्टेंट टर्म एज इट इज, x^2 का इंटीग्रल x^2 + 1 दैट मींस 3/2 अपॉन 1/2 + 1 दैट मींस 3/2 माइनस ये 1/8 कांस्टेंट टर्म, x² का इंटीग्रल x³ x² + 1 + 2 + 1 3 अपॉन 2 + 1 दैट मींस अपॉन में 3, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 8। क्लियर? नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए आप रिक्वायर्ड एरिया फाइंड कर रहे हैं इन ब्रैकेट्स 2√2 और ये अपॉन में 3/2, तो इसे आप 2/3 राइट करेंगे, 2√2 × 2/3। इसे राइट करेंगे x^3 को x × x^2, दैट मींस x√x। यहां माइनस 8 × 3 = 24, दैट मींस 1/24 × x³, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 8, 2 × 2 = 4, √2/3। इन प्लेस ऑफ x अपर लिमिट 8 √8 माइनस 1/24, इन प्लेस ऑफ x वी पुट 8 और ये क्यूब। अब लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे इन प्लेस ऑफ x, तो वो फैक्टर आपको 0 ही मिलेगा, इसे राइट करने की आवश्यकता नहीं है। इसे कैलकुलेट करेंगे बेटे 4√2 × 8 इंटू रूट 8 की वैल्यू 4 × 2 दैट मीन 2√2 अपॉन 3 माइनस 8 × 8 × 8 अपॉन में बेटे 24। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से कीजिए, या कैलकुलेशन में 8 × 4 = 8 × 8 = 64 और √2 × 2 दैट मींस 2, 64 × 2 = 64 × 2 2 × 4 = 8 और 2 × 6 = 12 दैट मींस 128 अपॉन 3 माइनस, यहां कैलकुलेशन करेंगे 8 × 3 = 24 और 8 × 1 = 8। अब कैलकुलेशन के लिए 8 × 8 = 64 और अपॉन में होगा बेटे 3। एलसीएम लेंगे बेटे 3 × 3 = 3, 128 - 64 दैट मींस आपको मिलेगा बेटे 64/3 और कैलकुलेशन में ये कैंसिल नहीं होता, तो स्क्वायर यूनिट्स, ये आपके पास रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाए जो आपको चाहिए। क्वेश्चन जो सिलेक्ट किया था ऐसे काफी कुछ क्वेश्चन होते हैं, मेन रहता है बेटा कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन अगर आपने सही किया है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। एक क्वेश्चन और चेंज करते हैं बेटे, 5
फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड y इक्वल टू एक्स प्लस वन। स्ट्रेट लाइन सेकेंड कर्व है, फर्स्ट कर्व एक्चुअलिटी में है वो पैराबोला, मगर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सॉल्यूशन में आप गिवन कर्व्स राइट करेंगे बेटे, गिवन कर्व फर्स्ट y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड सेकेंड y इक्वल टू एक्स प्लस वन। सेडेट करने के लिए बेटे फर्स्ट वाले सिचुएशन ये तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी टाइप की रहे, कर्व फर्स्ट को आप देखेंगे थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। इसे आप राइट करेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल y माइनस वन, एक्स स्क्वायर इक्वल फोर, ए वाई टाइप है बेटी। अभी थोड़ा सिचुएशन चेंज है, अगर इसका वर्टेक्स देखेंगे, इसको अगर कन्वर्ट करेंगे, If y minus 1 which is equal capital Y put करेंगे, so और in place of x small x equal capital X, तो ये जो convert होगा बेटे, ये 11th आपने जो पढ़ा है उस basically यहाँ पर small x की value capital X assume किया आपने, इसलिए capital X square which is equal y minus 1 की value आपने capital Y put किया। ये x स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई टाइप कन्वर्ट हुआ है, डेफिनेट है इसका वर्टेक्स आपको जीरो जीरो मिलेगा। हियर वर्टेक्स इसके लिए जीरो जीरो, दैट मीन्स कैपिटल x इक्वल जीरो एंड कैपिटल y इक्वल जीरो, कैपिटल x इक्वल जीरो, कैपिटल y, कैपिटल x कैपिटल y में कन्वर्ट है, और ये अपवर्ड पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल फोर ए वाई टाइप। दैट मींस कैपिटल एक्स की वैल्यू आप देखेंगे तो स्मॉल एक्स इक्वल जीरो, कैपिटल वाई की वैल्यू देखेंगे बेटे तो वाई माइनस वन विच इज इक्वल जीरो, दैट मींस एक्स इक्वल जीरो एंड वाई इक्वल वन। सो कर्व फर्स्ट का जो है कर्व फर्स्ट इज अ अपवर्ड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला पहली चीज। दूसरी चीज विच वर्टेक्स एक्स की वैल्यू जीरो वाई की वैल्यू वन, ये वर्टेक्स चेंज हो गया, अभी तक जीरो जीरो चल रहा था अब जीरो वन, इससे आप उसको ट्रेस कर लेंगे। तो सेकेंड कर्व है बेटे वो है स्ट्रेट लाइन, क्लियर है y पर mx टाइप कर्व सेकेंड इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के लिए आपको करना है बेटे आप कैलकुलेशन, वी फाइंड पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। सिमिलर
इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड लेफ्ट हैंड साइड सेम बाय वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन 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 कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स इक्वल जीरो दैट मीन्स एक्स बी द कॉमन फैक्टर एक्स माइनस टू इक्वल जीरो दैट मीन्स एक्स इक्वल जीरो आइदर एक्स इक्वल जीरो और x minus 2 equal 0 that means x equal 0 or x equal 2 जब आप x की value 0 put करेंगे by second y की value find करेंगे बेटा when x equal 0 then y equal 1 और when x equal 2 then y equal 2 into 2 4 plus 1 that means y equal 5 points of intersection first 0, 1 जो कि इसका वर्टेक्स है एंड सेकेंड है बेटा 2, 5. अब इससे करेंगे बेटा डायग्राम ड्रा करेंगे डेफिनेटली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आप ड्रा करेंगे एक्स ओ एक्स डैश यह है बेटे आपके पास y o y डैश फर्स्ट जो कर्व है वो है अपवर्ड पैराबोला विच वर्टेक्स 0 1 x की वैल्यू इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल 0 इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल 0 0 1 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 1 इस वर्टेक्स को यदि आप पॉइंट ए कहते हैं यहां पर आप पॉइंट ए के क्वाड्रेंट राइट करेंगे और ये अपवर्ड पैराबोला है ये अपवर्ड पैराबोला है फर्स्ट सिचुएशन जो आप लोगों ने देखा अपवर्ड पैराबोला के लिए इसका वर्टेक्स ए यह है 0 1 अब y इक्वल mx प्लस c c की वैल्यू है बेटे 1 जो y एक्सिस से पॉजिटिव y एक्सिस से जो इंटरसेप्ट है उसकी वैल्यू है 1 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो ये जो लाइन y इक्वल mx प्लस c जो आपने ड्रा किया है सेकेंड है बेटे 2 5 x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू है बेटे आपके पास 5 तो इसको आप ड्रा करेंगे इस लाइन को ये फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और ये सेकंड आपके पास होगा बेटे ये एक रफ ट्रेसिंग रहती है अप्रोक्सीमेट तो ये जो फर्स्ट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है वो है आपके पास a 0 1 और सेकंड वाले को कह दीजिए बेटा आप b यहां कह दीजिए आप b इसके कोऑर्डिनेट है बेटे 2 5 जो एरिया आपको फाइंड करना है वो ये है बेटे जो आपको सेलेक्ट करके दिखा रहे हैं आप एरिया बिटवीन टू कर्व्स ये कर्व नंबर फर्स्ट है ये कर्व नंबर आपके पास सेकेंड है स्ट्रेट लाइन और पैराबोला कॉम्बिनेशन अपवर्ड पैराबोला मेन चीज है बेटे फिगर कि कर्व कौन सा है वो पहचानना यहां पर इसको डिफिकल्ट लिया हमने अभी तक वर्टेक्स 0 0 था अब वर्टेक्स आपको 0 1 मिला है अपवर्ड पैराबोला सेकंड लाइन y इक्वल mx + c c की वैल्यू आपके पास ये 1 है जो y पॉजिटिव y एक्सिस के अकॉर्डिंग इंटरसेप्ट है फिगर ड्रा करने के बाद आपको रिक्वायर्ड एरिया की ओर चलना है तो डेफिनेट है ये x इक्वल 0 ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बेटे आपके पास यहां से लाइन ड्रा कर लीजिए y एक्सिस के पैरेलल ये पॉइंट को यदि आप m कहते हैं इसके कोऑर्डिनेट यहां x की वैल्यू है बेटे 2 y की वैल्यू है 0 इस लाइन का इक्वेशन होगा बेटे x इक्वल टू x इक्वल 0 बिटवीन x इक्वल टू कर्व फर्स्ट कर्व सेकंड के बिटवीन आपको एरिया फाइंड करना है रिक्वायर्ड एरिया के लिए जब आप कैलकुलेशन करेंगे बेटे रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल फाइनली आप चाहें तो यहां पर एक पॉइंट और यहां भी एक पॉइंट दे सकते हैं यहां पॉइंट
आप सी दे रहे हैं तो यहां पॉइंट ऑफ डी ले दीजिए। और जो एरिया आपको फाइंड करना है वो है बेटे आपके पास एरिया ए डी बी सी ए, ए डी बी सी ए, इस बाउंडेड एरिया को फाइंड करना है। अब इस बाउंडेड एरिया को फाइंड करने के लिए आप चल रहे हैं बेटे एरिया, ये देखिए बेटे एरिया, ये कर्व नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग, ये टोटल एरिया विथ एक्स एक्सिस, ये जहां से आपको दिखा रहा हूं इस पार्ट को, दैट मींस इस एरिया के लिए जब चलेंगे ओ एम बी सी ए ओ, ओ एम बी सी ए ओ, इसमें से आप सबस्टेट करेंगे बेटे एरिया जो ये ब्लैंक है, दैट इज ओ एम बी और डी ए ओ, इस एरिया को आप सबस्टेट करेंगे तो ये जो शेडेड एरिया है ये आपको फाइंड हो जाएगा। ओ एम बी सी ए ओ, इस एरिया में से आप ओ एम बी डी ए ओ इस ब्लैंक एरिया को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो शेडेड एरिया आपको फाइंड होता है। दैट मींस बिटवीन एक्स इक्वल जीरो एंड एक्स इक्वल टू, ये जो कर्व है ये सेकेंड कर्व है जो फर्स्ट वाला एरिया है, इसे लिखेंगे वाई टू डी एक्स माइनस इंटीग्रल जीरो बिटवीन टू, एक्स इक्वल जीरो बिटवीन एक्स इक्वल टू, जिस एरिया की आप बात कर रहे हैं बेटे ये फर्स्ट कर्व देखिए, ये विथ एक्स एक्सिस जो ब्लैंक एरिया है ये पैराबोला से कनेक्ट है, दैट मींस पैराबोला है कर्व नंबर वन, दैट मींस वाई वन और ए डी एक्स, दोनों की लिमिट सेम है बेटे, इंटीग्रल जीरो अप टू टू वाई टू माइनस वाई वन डी एक्स। अब वाई टू और वाई वन की वैल्यू पुट करेंगे और आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको फाइनली रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हो जाएगा। क्लियर? डेफिनेटली रिक्वायर्ड एरिया विच इज इक्वल इंटीग्रल जीरो अप टू टू वाई टू, वाई टू दैट मीन सेकेंड कर्व, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन माइनस वाई वन दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वन डीएक्स, इंटीग्रल जीरो अप टू टू ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन डीएक्स, माइनस वन प्लस वन कैंसिल, इंटीग्रल जीरो अप टू टू ट्वाइस ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ट्वाइस ऑफ एक्स टू कॉन्स्टेंट टर्म एक्स डीएक्स का इंटीग्रल एक्स स्क्वायर बाय टू माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाय थ्री, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट टू, टू टू कैंसिल, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे बेटे टू स्क्वायर माइनस या टू क्यूब अपॉन थ्री, लोअर लिमिट इन प्लेस ऑफ एक्स जीरो करेंगे दैट मींस जीरो मिलेगा, फोर माइनस एट बाय थ्री, एलसीएम लेंगे बेटे थ्री, फोर थ्री जा ट्वेल्व माइनस एट दैट मींस फोर बाय थ्री स्क्वायर यूनिट्स, ये आपको रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हुआ है, ये आपको रिक्वायर्ड एरिया फाइंड हुआ है और ये है 4 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। जो क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व किए बेटे ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आए हैं, सिमिलर क्वेश्चन आप और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।